डॉक्टर नवनीत कुमार वैश्य बीएचएमएस। यहाँ पे लगातार एडवर्टाइज किया जा रहा है हर्षित गुप्ता जी द्वारा। बताइए कौन स्वरूप है ये? श्रवण कुमार का कैसे भव्य स्वरूप आप देख पा रहे होंगे आज कुछ। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आप सभी को बता दें कि आज हम आप सभी को अपने चैनल के माध्यम से, अपने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को जौनपुर का ऐतिहासिक पंडित जी का भरत तालाब का मेला और लाग दिखाने वाले हैं। तो चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि हमारा जो आने वाला अपडेट, हमारे आने वाला जो वीडियो आप सभी तक तत्काल पहुँचे। तो अभी हम देखिए काली माता मंदिर के पास हैं, जौनपुर के सब्जी मंडी के पास, वहीं से हम आप सभी को वीडियो दिखाने वाले हैं पंडित जी का भरत मिलाप, जो कि प्रयागराज, वाराणसी, आजमगढ़, काफ़ी दूर दूर से यह लाग आया हुआ है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जौनपुर के पंडित जी का ऐतिहासिक भरत मिलाप। पूरा मेले में जो लाग है सबसे आगे घोड़ा है, फिर उसके बाद दो ऊँट यहाँ पे देखिए आगे आगे चल रहा है। तो चचा देखिए ऊँट लिए हुए हैं। दो ऊँट यहाँ पे, चचा कहाँ से ऊँट लेके आए हैं? तो चचा कहाँ के रहने वाले हैं? प्यारेपुर। तो प्यारेपुर का ये दोनों ऊँट है साथियों, प्यारेपुर का। और दो घोड़े देखिए खूबसूरत, यहाँ पर सजावट के साथ पूरा इस मेले में पंडित जी के भरत मिलाप में यहाँ पे सजा के पूरा देखिए लाया गया है। तो काली माता मंदिर के ठीक पास में देखिए दो घोड़े हैं, तो ये घोड़े के चालक हैं। ये कहाँ के घोड़े वाले हैं आप लोग? कहाँ का है घोड़ा ये? सद्भावनापुर। सद्भावनापुर, तो दोनों घोड़ा आप ही का है? तो भैया का। अच्छा अच्छा, क्या नाम पड़ेगा बाबू? अच्छा, कितने दो लोग हैं? कितने लोग हैं साथ में? अच्छा, आप भी भैया साथ में? तो आप भी भाई कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? जौनपुर कहाँ? अच्छा किला के रहने वाले हैं, किला के पास। बता दें किला के दोनों भाई साहब हैं और दोनों घोड़ों शादी विवाह के शुभ अवसर पर। आपका पता कहाँ कहाँ पे आपको मिले? राजेश बिरयानी बगल में आपका पूरा वहाँ पे सिस्टम है पूरा। तो राजेश बिरयानी वाले बगल में घोड़े वाले भाई हैं, आप संपर्क करिए शादी विवाह के शुभ अवसर पर, इनसे आनंद उठाइए। यहाँ देखिए काली माता काफी भव्य स्वरूप। तो देख पा रहे हैं वो लाग प्रारंभ हो चुका है, चालू हो चुका है पंडित जी का ऐतिहासिक भरत मिलाप का लाग। तो इस वीडियो को आप लोग ज्यादा ज्यादा शेयर करिए और ऐतिहासिक पंडित जी का भरत मिलाप जो कि अपने आप में एक अलग पहचान है, अलग रूप में है। तो देखिए समिति के लोग हैं यहाँ पे, पूरे समिति के लोग यहाँ पे एकत्रित हैं। देख पा रहे हैं बैंड पार्टी के साथ। देख पा रहे हैं काली माता के मंदिर के ठीक सामने इनका स्वरूप का पूरा नृत्य किया जा रहा है। काफी भव्य तरीके से काली माता मंदिर के ठीक सामने यहाँ पर नृत्य किया जा रहा है काली माता का। तो सबसे आगे साथियों यही नृत्य चल रहा है पंडित जी के भरत मिलाप के ऐतिहासिक। तो आगे देखें आप नृत्य किया जा रहा है। साथियों जैसा कि आप देख पा रहे हो भीड़ किस प्रकार की यहाँ पे बढ़ रही है लगातार,
ऐतिहासिक भारत मिलाप के लाख को देखने के लिए यहाँ पे भीड़ उमड़ पड़ी है। यहाँ भी लगातार देखिए उमड़ पड़ी है, यहाँ पे दोनों तरफ दाहिनी और बाईं ओर। तो आगे के प्रशासन की व्यवस्था भी यहाँ की गई काफी अच्छी, प्रशासन आगे भी चल रहा है और पीछे राज। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे नगर पालिका के पास अभी हम आ चुके हैं, यहाँ पे भी भीड़ कुछ प्रकार की लाख देखने के लिए। एक बालक या कह ले 32 साल का एक नौजवान जो मुझसे बोल नहीं सकता कान से। तो देख पा रहे हैं नगर पालिका के पास चले जा रहा है, और यहाँ पे भी देखिए निवासी कुत्तूपुर थाना प्रांत बाजार जिला जौनपुर का निवासी है, और यह बालक लापता हो चुका है। अगर यह बालक किसी भी सज्जन को मिले तो आप। तो धीरे धीरे जो लाग है कोतवाली चौराहा पहुंच रहा है जोगियापुर। तो बताना चाहेंगे कि पंडित जी रामलीला का ऐतिहासिक यहाँ पे कंट्रोल रूम पूरा बनाया गया है जो और ठीक सामने वहाँ पे मंच बनाया गया है, जहाँ पे सभी जितने भी प्रतिष्ठान है सबका एडवर्टाइज किया जा रहा है। हमारे हर्षित गुप्ता और बड़े भैया प्रभात जी भी हैं, वो भी नईगंज जौनपुर जहाँ पे महिंद्रा एम्बेसडर मारुति हुंडई डॉक्टर नवनीत कुमार वैश यहाँ पे लगातार एडवर्टाइज किया जा रहा है हर्षित गुप्ता जी द्वारा और बगल में उनके प्रभात जी द्वारा। एडवर्टाइज पूरे जौनपुर के जितने भी प्रतिष्ठान है महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान है उनके द्वारा एडवर्टाइज किया जा रहा है। डॉक्टर बता दें कि कोतवाली से लेकर 400 तक लगातार देखिए भीड़ जा रही है, देख रहे होंगे लगातार भीड़ जा रही है। माताएं बहने बुजुर्ग बच्चे सभी लोग देखिए इस तरह से 400 तक जा रहे हैं। तो अभी लाख आ रहा है, लाख का हम आपको दर्शन कराएंगे। तो आप लोग कांटे बने रहिएगा, झगड़ू साहब नगर पालिका की तक पहुंच गई है लाख और आने वाला है लाख। हमारे बीच में प्रभात कुमार जी जो कि 30 वर्षों से लगातार जो काशी क्षेत्र से हमारे बीच में आया हुआ है, इसका मेरा दृश्य मंडल के सामने हमारे कंट्रोल रूम के सामने माँ काली का भव्य अखाड़ा कोतवाली चौराहे पे चल रहा है। तो भव्य अखाड़ा एक काशी की धरती से लाग आया हुआ है, काली माता का भव्य अखाड़ा। पूरा रथ जा रहा है, ऐसा है
नहीं पा रहे हैं, पूरी जौनपुर की जनता यहाँ पे लगी है। अगर कोई भी अप्रिय घटना करता है तो प्रशासन तुरंत उन्हें पकड़ के अंदर कर देगी, पूरा मेला उनका खराब हो जाएगा। जो भी बच्चे टोल रहे हैं, मेरी योजना पूरी टोल जा रहे हैं, बताइए कौन सा रंग है? ये कपड़ा धो रहे हैं धोबीदार, और धोबीदार धोबीदार मंचा सेन। तो अभी आप लोग देख रहे होगा जौनपुर का जो ऐतिहासिक पंडित जी हमारे मंचा सेन, विगत 30 वर्षों से जो हम सबको हर कार्यक्रम की सूचना दे रहे हैं, प्रभात मौर्य भैया जी और हर्षित गुप्ता जी को भी हमारे बालाजी सेवा समिति के अध्यक्ष संदीप को अपने चोच में रख करके भगवान श्री कृष्ण ने उसका वध किया, उसी का स्वरूप है। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप सभी के श्रेष्ठ भव्य लाग देखिए यहाँ पे निकाले जा रहे हैं, काफी अच्छे अच्छे लाग, तो बनारस प्रयागराज जैसे शहरों से आए हुए लाग आप देख पा रहे हैं जौनपुर की पावन धरती पर देख पा रहे होंगे। कितनी बढ़िया लाग यहाँ पे देखिए राधा राधा रानी, ये किसकी लाग है और क्या राधा रानी के भविष्य, ये सुरेश सुरेंद्र की लाग है, काली गुप्ते की राधा रानी की लाग है, ये बहुत ही सुंदर स्वरूप बालिकाल का। अभी देखिए तीर धनुष पटना लाल, उनका तो नाम ही पटना लाल है और हर जगह पटना लाल काली गुप्ते। एक बार जोर लगता नहीं मुझे पता लाल निकलिए जोर लगता नहीं आप सोचो हर जगह ये रहते। अरे बाप रे बाप, पन्ना लाल जी बहुत शुक्रिया, इस मंच के माध्यम से आपको देता हूँ मैं आगे प्रभात जी। पन्ना लाल जी जरा मुर्गों को पिला दीजिए, जरा तर्क नाचने की बात देखिए काफी बढ़िया आगे बढ़ेगी श्रवण कुमार का कैसे भव्य स्वरूप आप देख पा रहे होंगे। आज पूज्यमान है पूरे जगत में और श्रवण कुमार का अलग ही, उनसे बहुत कुछ सीखते हैं समझते हैं। पन्ना लाल जी की ये दूसरी लाग है श्रवण कुमार जी की, एक बार जोरदार ताली होने चाहिए श्रवण कुमार जी के लिए, बहुत सुंदर लाग, क्योंकि बच्चों का उत्साहवर्धन आप लोग ताली के माध्यम से होता है। आप लोग खाली हाथ है तालियां तो कम से कम बजा सकते हैं, ऐसी झोली उनकी झोली रहती है हमेशा खाली, उनकी झोली रहती। तो दुर्गा महारानी का भव्य स्वरूप आप देख पा रहे होंगे। तो देख पा रहे होंगे लाने, ये खुशी का दृश्य है बहुत ही। काफी छोटा बच्चा ये सुपड़खा नकटैया तो नहीं लग रहा भैया, बताइए लाग किसकी है और क्या आपने दर्शाया? तो देखिए छड़ी वाली लाग काफी अच्छा, माँ दुर्गा माँ दुर्गा देखिए छड़ी यशोदा भैया भगवान श्री कृष्ण को बाल्यकाल स्वरूप में दही माखन खाते हुए दौड़ाए हुए हैं और इतने सुंदर लाग क्या ही कहने, दृश्य को देख करके वाकई में नैना दृश्य का अवलोकन हो रहा है। धन्यवाद देशभक्ति के आधार पर यह लाग निकाला गया है। जय जवान जय किसान कामेलाल की और माखन चोर
इसका भी चित्रण यहाँ किया गया। ये जो लाग है सुमित भैया, इसके बारे में जरा बता करें। पीछे की लाग जौनपुर की शीतला, ये लाग शीतला प्रसाद की है। पारे में सफेरा की देखिए। सुबह की भगवान श्री कृष्ण की देखिए। शीतला हरकपुर की ये भगवान श्री कृष्ण की लाग है। भगवान श्री कृष्ण के रूप में शीतला भैरव जी का काफी दिखे भव्य लाग। हनुमान जी को जो बंद करोगे वैष्णो जी के पीछे का भैरव ना, काफी भव्य लाग जौनपुर में एक से एक लाग है। अच्छा भैरवनाथ जी और माँ वैष्णो देवी की बड़ी ही सुंदर लाग। हमारी कंट्रोल रूम तो देखिए कालिया नाग का स्वरूप यहाँ पे देखिए काफी बढ़िया किया गया है। और ये कालिया नाग की बहुत ही अत्यंत प्रिय लोकप्रिय लाग है। गेंद फेंकी गई, गेंद के बहाने भगवान श्री कृष्ण यमुना में कूद पड़े। मुख से निकली माँ गंगा की बहुत ही सुंदर लाग हमारे बीच से होती हुई। माँ गंगा की गोमुख से जो जिनका पर्वत जिनका राजा दक्ष के यज्ञ में जात इंद्र भगवान का देखिए भव्य स्वरूप। राजा दक्ष के यज्ञ में जात इंद्र की ये लाग। काफी भव्य लाग देखे यहाँ पे जोगियापुर द्वारा मोहम्मद ईसा द्वारा निकाले। राजा दक्ष के यज्ञ में उनकी सारी भगवान इंद्र यहाँ पर कर रहे हैं और करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत सुंदर ये इनका स्वागत करिए भगवान के जी। त्रिलोक के शासन करता भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और त्रिलोक विराजमान है। एक बार प्रेम से बोलिए हर हर महादेव शंभो। आगे की ओर भूले गिरिजापति हूँ तुम्हारी शरण। शक्ति के स्थान पर युक्ति का प्रयोग करना होगा।
आपको मेरी सहायता के साथ श्री गणेश की कृपा प्राप्त करनी होगी। स्वामी भगवान कैलाशपति जिनके माध्यम से त्रिलोक स्थापित होता है, आपने जो दृश्य दिखाया भगवान बैद्यनाथ की स्थापना आपने की, लेकिन फिर भी आपने स्वयं से अपने पूरे पुलिस कुल के नाती कहे गए आप, और आप जैसे मैं क्या ही हूं, समय कम है, मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए भगवान शंकर यहाँ विराजमान है। शिव में अगर आस्था है तो उलझनों में विरासता है। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए एक बार जोरदार जय मोहल्ले के निवासी भाई सौरभ लाइट हाउस, लेकिन पक्ष विपक्ष बात नहीं, काफी देखिए बढ़िया लाइट जो कि हमेशा अपने आप में परिवर्तन करता आया है, तो करता रहा है। मैं बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ सभी पदाधिकारियों को, अशोक यादव जी, शादी के दिन तो खूबसूरत लगता है बिल्कुल, लेकिन अगर सौरभ लाइट हाउस का रोड लाइट पे दूल्हा सवार रहे तो वो सुपर डुपर हिट लगता है। क्या बात, उसकी खूबसूरती में चार चांद लग जाता है बिल्कुल, और उसकी शादी खुशहाल होती है। आज आप देख सकते हैं भगवान राम और लक्ष्मण जी का भव्य रूप, आप लोग अपने कैमरे पर कैद कर लीजिए बिल्कुल, क्योंकि प्रवाजी कहा जाता है
हड़ताल हुई ना दे शीतलता को प्रदान करते हैं पृथ्वी लोग प्यार करके और ऐसे इतने सुंदर तरीके से युद्धमान ये बाल्यकाल के रूप में लेकिन हमारे समय भगवान स्वरूप रथ को चंद्र पे भगवान राम लक्ष्मण जी चंद्र पर विराजमान है विराजमान होकर के भव्य स्वरूप बहुत सुंदर तरीके से राम ही केवल प्रेम आधारा आगे की ओर धीरे धीरे वाराणसी से और भगवान श्री कृष्ण जी नाग पर विराजमान है और देखिए नाग छुपका रहा है भाईचारे का पहली देखने को मिलता है। सही बात है, दुर्गा पूजा में जो बड़ी बड़ी लागे झांकियां बनी उसमें भी आप देखेंगे उसके कारीगर मुस्लिम रहे। तो काशी नगरी का भव्य लाग है तो बड़का की नाक काटी जा रही है नाक कटी ये सुपड़ा का वध
हो पा रहा है। ये कन्हैया डीजे प्रेमियों के माध्यम से ये हम लोग देख पा साथियों। हम आ गए हैं ओलंगंज, यहाँ पर मंच बना हुआ है। तो देख पा रहे होंगे भोर के 4:47 मिनट हो चुके हैं। तो अभी यहाँ पे देखिए देख पा रहे हैं कितनी भीड़ है यहाँ पर। साथियों बताना चाहेंगे कि ओलंगंज में जहां पर मंच लगा हुआ था तो भरत मिलाप का जो कार्यक्रम है साथियों वो संपन्न हो चुका है, भरत मिलाप हो चुका है। तो आप सभी को हम लाग दिखा रहे थे कोतवाली चौराहे से, तो उसी के दौरान यहां पर भरत मिलाप का जो कार्यक्रम है वो संपन्न हो चुका है। तो साथियों आज आप सभी को हम जौनपुर का ऐतिहासिक पंडित जी का भरत मिलाप का भव्य ऐतिहासिक लाग दिखाने का प्रयास की। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग हमारे इस आज की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार समझ लोगा। देखिए एक जन सैलाब उड़ा हुआ है ऐतिहासिक भरत मिलाप देखने के लिए। देख पा रहे हैं पूरा सैलाब उड़ा हुआ है, पूरा ओलंगंज से लेकर कोतवाली चौराहे से लेकर ओलंगंज तक। ये चंद्रा होटल है, चंद्रा होटल के पास नज़ारा आप देख पा रहे हैं। तो चलिए साथियों मिलते हैं हम आप सभी को किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए ब्लॉग के साथ। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। राजू जायसवाल प्रयागराज के।